do the turn again and go happy. अच्छा नहीं सुन रहा आपकी बात। वो देखो यहाँ पे कोने पे है उत्तरी। एक और आगे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना बड़ा। ओ गाइस, गाइस सामने देखो ये कितना मोटा है, समझ रहे हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। दोस्तों आज की इस ब्लॉग में ना मैं आया हूँ भाई दिल्ली जू में, यानी के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क जो कि दिल्ली में है। भाई आज इस वीडियो में ना इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये है यहाँ का भाई एंट्री वाला सेक्शन ना। दोस्तों गाइस मैंने टिकट दिखा के भाई यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करके अंदर आ चुका हूँ। तो अंदर आने के बाद भाई मैं आप लोगों को सबसे जो पहली बात बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद जो टिकट का जो झंझट है ना सबसे ज़्यादा है भाई। बाहर आपको दिखाई दे रहा है कि कम से कम भाई 50-100 लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं टिकट का, क्योंकि यहाँ पे कोविड से पहले कैश में टिकट मिलता था, लेकिन अब जो है ना भाई ऑनलाइन टिकट मिलता है। आपको घर से ही टिकट बुक करके यहाँ आना पड़ेगा। अगर आप टिकट नहीं लेके आओगे तो भाई यहाँ पे ऑनलाइन आपको बनाना पड़ता है, उसमें बहुत झंझट होता है। उससे बढ़िया तो आप घर से ही ऑनलाइन टिकट बना के आइएगा यहाँ पे, तो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ सामान रखने का भी जगह आपको है, पार्किंग भी आपको मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर आके भाई आपको सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं ना भाई, तो यहाँ पे आने का जो नज़दीक मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप टेम्पो पकड़ के आराम से यहाँ आ सकते हैं। बात करता हूँ मैं दिल्ली जू के बारे में, तो इसको ओपन किया गया था 1959 में, और ये जो है और यहाँ पे एक 1300 या 1400 के जैसे एनिमल है। तो अभी फ़िलहाल मैं तो अंदर पहुँच चुका हूँ। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोटो सेक्शन है, वहाँ पे दिल्ली जू लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव दिल्ली जू। तो यहाँ पे लोग फ़ोटो सेक्शन के लिए सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो आप देख सकते हो मतलब धूप तो यहाँ नहीं लग रहा बिल्कुल, इतना पेड़ पौधे हैं यहाँ। तो सो गाइस अगर आपको पैदल घूमने का मन नहीं है, अगर आप ऐसे छोटे गाड़ी में घूमना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा। जो अडल्ट का टिकट है वो है 70 रुपीज़ और चाइल्ड का है 30 रुपीज़। तो गाइस अगर इस पार्क में आप घूमने से पहले यहाँ का देखो मैप बना हुआ है, आपको कहाँ कहाँ घूमना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो किधर से आपको जाना है। सो गाइस देखो इधर भाई झुंड में बैठा हुआ है हिरन, बहुत सारा है इधर। तो सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक बियर्ड बैठा हुआ है भाई, देखो छाव पे बैठा हुआ है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो ये छाव पे चुपचाप बैठ। तो सो गाइस इस साइड में आप देख सकते हो भाई लोमड़ी है, देखो भाई देख सकते हो यहाँ लोमड़ी ये आ रहा है। देख सकते हो यहाँ काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं लोमड़ी को देख के। कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक क्या क्या देखे? अभी तक हमने देखा सांबर देखा, अभी कॉमन चीज जो हर जगह देखने को मिलता है वही देखने को मिल रहा है। अभी तो कॉमन ही है, बट आगे कुछ शायद अब कुछ मिले। उम्मीद करते हैं भाई शेर वगैरह देखने को मिले यहाँ पे। भाई आधा घंटा से ऊपर हो गया और इतना गर्मी हो रहा है ना, काफी सारे लोग है भाई घूम रहा है, देखते हैं क्या क्या और जो भी देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे भाई। तो सो गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई राइनो। तो भाई वो देखो काफ़ी दूर वहाँ पानी में भाई डूबा हुआ है, लग ही नहीं रहा है को राइनो, ऐसे लग रहा है कि पत्थर रखा है वहाँ पे। तो सो गाइस अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पक्षी, यहाँ पे कौन कौन सा पक्षी देखने को मिलेगा। तो ये जो सेक्शन है ना भाई पक्षी का है, तो इस साइड में आप देख सकते हो भाई अंदर देखो ये तोता है ना, ये देखो भाई अंदर है, तो सो गाइस अभी आप लोगों को हम दिखाने वाला है भाई हाथी एलिफेंट। भाई यहाँ पे एक हाथी है बहुत बड़ा है, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ भाई। तो इस साइड में है भाई, बहुत दूर पे खड़ा है वो, तो शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखो उस साइड में बहुत दूर में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई ये है इंडियन एलिफेंट, तो वो उस साइड में दो दो खड़ा है भाई। ये है इंडियन एलिफेंट, इंडियन का हाथी। तो गाइस अभी हम आप लोगों को भाई कोशिश कर रहे हैं भाई लायन दिखाने का कोशिश करते हैं। इस साइड में जो है लायन है, तो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे।
तो सो गाइस वो साइड में देख सकते हो, उस साइड में है लायन भाई लेटा हुआ है। तो काफी सारा भीड़ है यहाँ पे देखने के लिए भाई। देखो गार्ड सब गुस्सा कर रहा है भाई, नहीं चलना है यार। वो उस साइड में सो रहा है। तो सो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई टाइगर, जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे ना, जिस चीज़ को लिए देखने के लिए आए थे भाई, काफ़ी देर से घूम रहे हैं लेकिन फाइनली अभी हमको दिखाई दिया है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई वो नीचे जो उसका छेद है ना, नीचे जो कमरा टाइप का ना उसमें अंदर है, ये देखो सो रहा है वो, उसके अंदर सो रहा है गाइस। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, उसके अंदर सो रहा है उसके अंदर। मैं सो गाइस फाइनली यार मज़ा आ गया भाई टाइगर देख के। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो जगह देख रहे हो ना भाई, ये कितना नीचे डीप है। तो एक दो साल पहले ना यहाँ पे एक लड़का गिर गया भाई, गिर के मर गया था यार यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा था, उसके बाद ऐसे करते करते अंदर गिर गया था। तो सो गाइस टाइगर भाई ने आप लोगों को दिखा दिया, आप दिखा दो भाई जैगुआर। तो इस साइड में भाई सो रहा है, देखो ये ऐसे बनाया ना बिल्कुल, पेड़ पौधे है तो छाव है, तो उसके अंदर वो सो रहा है। तो भाई मैं आप लोगों को जैगुआर दिखाने वाला हूँ, ये देखना इस साइड में। तो सो गाइस सब लोग यहाँ जैगुआर देखने के लिए भाई देख रहा है इसके अंदर। तो सो गाइस एक टाइगर यहाँ पे सो रहा है भाई, ये देखो इस साइड में, वो देखो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सो रहा है, उस टाइगर बिल्कुल सामने है इस साइड में भाई। दो टाइगर देखने को मिला, एक तो रेड टाइगर ये है उधर, एक वाइट टाइगर था, उसके बाद जैगुआर भी देखने को मिला भाई, काफ़ी मज़ा आ गया यार। तो सो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्नैक्स, यानी कि भाई सांप। तो ये जो है ना, इस हाउस है, इस हाउस के अंदर सांप रखे है। आप ये देखो सामने का जो लोगो बना गया, देखो सांप का निशान वगैरह बना हुआ है ऊपर सांप का। तो ये जो है इसके अंदर है स्नैक्स भाई, ये पूरे के अंदर एसी में रखा है सांप को भाई। तो ये सारे के अंदर, ये देखो छोटे छोटे शीशे के केबिन बना हुआ है, इसके अंदर सब के अंदर सांप है। ये देखो भाई ये सब अंदर मिट्टी विट्टी लगा के रखा है, ये सांप है इस साइड में भी, और सामने देखो इधर भी सांप है। वो देखो भाई कोने में, वो देखो यहाँ पे कोने पे है उत्तरी, ये देखो कितना बड़ा। ओ गाइस गाइस सामने देखो ये कितना मोटा है, ये देखो, और देखो भाई साहब इतना मोटा, अरे यार भाई इतना मोटा है यार, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा गाइस इस साइड में भाई। देखो ये कोने में भाई, ये कोने में देखो कितना मोटा है, कितना मोटा। तो सो गाइस दिल्ली जू में भाई जितना भी कुछ देखने का था मैंने कंप्लीट सब कुछ आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो भाई वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा, क्या चीज़ आपको बेस्ट लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ भाई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसे लगा। और भाई चैनल पे पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं मिराज मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।